प्रधानमंत्री जल कल्याणकारी योजना का प्रचार प्रसार अभियान का कार्यक्रम किया गया दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, जिसमें देश भर से भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े नेता शामिल हुए। राष्ट्रीय महामंत्री अंकित और संचेती और भारत कांतियान जी के द्वारा आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई योजनाओं और आगामी चुनावों के बारे में चर्चा की गई। आइए देखिए हमारे संवाददाता विकास कुमार झा की खास रिपोर्ट। मैं ये बताना चाहती हूँ कि धीरे 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 हम विकास की राह में बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो ये है कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले। जितनी भी हमारी योजनाएं, चाहे वो जनधन की योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला की योजना हो, चाहे वो पेंशन की योजना हो, आयुष्मान योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, सबका सोर्स कहाँ जाता है? सब जाते इसी बात पे हैं कि हर युवा को, हर हाथ को काम मिले। और मैं आपको बता दूं, जो प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात अभी जो लाल किले की प्राचीर से कही है कि प्लास्टिक का बहिष्कार हो, इसके पीछे भी क्या आता है? उन्होंने कहा कि कपड़े के जो थैले हैं वो उपहार स्वरूप सब लोगों को देने चाहिए। अगर ये प्रधानमंत्री जी की बात को हम स्वीकार कर लें और हर भारतीय बहन अपने घर के अंदर पुनः कपड़े के थैले का प्रयोग करने लगे, हर महिला को काम मिलेगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का इससे बड़ा मॉडल और कोई हो नहीं सकता। देखिए, ये प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार में लगे हुए जो सभी लोग हैं पूरे देश से, वो इकट्ठे हुए हैं। बहुत शानदार काम चल रहा है पूरे देश में, संगठन तैयार है, हर एक जिले में कोई ना कोई व्यक्ति है जो प्रभारी है, मंडल स्तर पर भी कार्यकर्ता हैं। तो मेरे को ये लगता है कि जिस प्रकार का संगठन यहाँ दिखाई दे रहा है उसे देख के हम समझ सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री जी की योजना की जानकारी पूरे देश में गांव-गांव में गली गली में पहुँची है, किन लोगों के माध्यम से पहुँची है, उन लोगों की शक्ति यहाँ पर दिख रही है। और इस देश में जिस प्रकार की योजनाएँ, जन कल्याण की योजनाएँ आदिवासी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, शहरी गरीब इलाकों में, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जिस प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं, कई योजनाएं पहले भी बनती थी लेकिन जमीन तक पहुंचती नहीं थी, लागू नहीं हो पाती थी। तो ये संगठन, ये संस्था और इस प्रकार के हजारों वॉलंटियर पूरे देश में ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो योजनाएं लागू हों, और ये एक ऐतिहासिक प्रयास है। और मैं नमन करता हूँ सभी संगठन के लोगों को और कार्यकर्ताओं को। एक कार्यक्रम रखा था जिसका उद्देश्य था युवाओं तक प्रधानमंत्री जी के बारे में, 370 के बारे में हर एक जानकारी को पहुंचाना। हमारे इस मिशन के अंदर जितने भी लोग हैं वो अपने प्रदेश में, यहाँ पे पूरे 29 प्रदेश से लोग आए थे, जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, जिला अध्यक्ष, उन लोगों का कार्य ये होगा कि वो अपने प्रदेशों में जाकर लोगों को ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने ये जो 370 हटाया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो एकता अभियान, राष्ट्रीय एकता अभियान चलाया है, उसके अंतर्गत कैसे पूरा युवा इस कार्य को करेगा और किस तरीके से युवा की भूमिका राष्ट्रीय एकता अभियान में बहुत महत्वपूर्ण और कार्यों को सुनिश्चित करने में कार्य करेगी। सर, जैसे कुछ योजना होती है जी, वे गांव तक नहीं पहुंचती जी, तो जो आज का आपने रखा, जैसे अभी बताया कि जो आज इकट्ठे आप लोग हुए, एक मैसेज दिया रहा कि हर जगह मैसेज देना जाना चाहिए जी, जो भी योजना आती है, प्रधानमंत्री योजना हो या कोई भी योजना हो, कि कुछ लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती जो कम पढ़े लिखे गाँव में होते, तो उनको अब कैसे आप ये जानकारी दे पाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान, ये जो अभियान है इसको पिछले 9 महीनों में, आज से 9 महीने पहले मुझे इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, पिछले 9 महीनों में मैंने 29 राज्यों में अपनी टीम का गठन किया है। उस टीम का कार्य ये है कि अपने नीचे हर जिले तक 51 लोगों की टीम बनेगी, उन 51 लोगों की टीम के जरिए हम सूचना को नीचे तक पहुँचाएंगे। हमारे हर बूथ पे एक यूथ के मेन एजेंडा के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि एटलीस्ट बूथ के ऊपर एक यूथ जरूर हो, जिससे हम लोग हर एक ग्रामीण क्षेत्र तक कवर कर सके। तो इसमें क्या पद रहेगा? देखिए, हर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष, उसकी 51 लोगों की कमेटी, हर जिले में जिला अध्यक्ष, हर नगर में नगर अध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष, पूरा नीचे तक का चेन चलेगा। देखिए, किसी को पद देने का हम लोग का कारण सिर्फ इतना है कि पद से मोटिवेशन मिलता है जी, उस मोटिवेशन से युवा कार्य करता है। युवा को और कुछ नहीं चाहिए, युवा को चाहिए सिर्फ प्रेम और थोड़ी सी इज्जत।